नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बर्गर किंग आईपीओ के पहले दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। दोस्तों देखा जाए तो ये आईपीओ पहले दिन और सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसा मार्केट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसका रीजन है, इस आईपीओ की जो है पर स्टॉक की प्राइस रखी गई 60 रुपीज, और अगर हम लोग यहाँ पे जीएमपी देखे, ग्रे मार्केट प्राइस देखे, डब्बा बाजार की प्राइस देखे, जो चल रही थी अराउंड 25 रुपए से 35 रुपए के बीच में, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पे मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन आज पहले दिन जो ये पर्टिकुलर आईपीओ है और सब्सक्राइब हो चुका है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के साथ। दोस्तों पहले दिन इस आईपीओ जो है टोटल सब्सक्राइब हुआ है 3 टाइम्स। चलिए बात करते हैं किसने कितना सब्सक्रिप्शन किया है। अगर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है 15.6 टाइम्स। अगर हम लोग HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है 16%, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने सब्सक्राइब किया 70%। दोस्तों जैसे हमें पता है कि ग्रे मार्केट प्राइस यहाँ पे 30-35 के आसपास चलती थी कल के परसों के दिन तक, जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे, तो वहां पे 30-35 के आसपास ग्रे मार्केट प्राइस चलता था। यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक डिस्काउंट पे चल रहा था आईपीओ, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ में कंपनी ने पर स्टॉक की प्राइस रखी 60 रुपीज, और यहाँ पे ग्रे मार्केट बहुत कम पे चल रहा था। लेकिन आज के दिन जो इसका और सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो इसके कारण ग्रे मार्केट प्राइस यहाँ पे चेंज हो सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्राइस जैसे हमें पता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो आने वाले दिनों में, आज में या कल में, जो ग्रे मार्केट से डेटा आएगा तो उसकी प्राइस प्रोबेबली हम लोग इस स्टॉक के ऊपर, आईपीओ के ऊपर बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ को खरीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इस आईपीओ की जानकारी में, तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम जो है अच्छी खासी बढ़ रही है पिछले 3 साल से, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो कंसिस्टेंटली गिर रहा है। तो टॉप लाइन मार्जिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली पिछले 3 साल से बढ़ रही है, लेकिन बॉटम लाइन मार्जिन गिर रहा है। गिर रहा है इस कहने से अच्छा है कंपनी पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो निगेटिव में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, तो अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम के सब्सक्राइबर हो, अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना चाहते हो, तो इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो। द रीजन इज दैट जो इसके कंप्यूटर है वेस्ट लाइफ, अगर हम लोग वेस्ट लाइफ की बात करें तो मैकडोनल्ड्स, ये जो पर्टिकुलर जो फ्रेंचाइज है उसका सारा के सारा काम जो है इंडिया में वेस्ट लाइफ करता है। तो ये स्टॉक देखा जाए, एज वेल एज यहाँ पे दूसरा इसका कंप्यूटर देखा जाए, डोमिनोज पिज्जा। दोस्तों दोनों कंपनियां इस कंपनी की कंपेटिटिवली यहाँ पे जो है महंगे दामों पे कामकाज कर रही है। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी भी उस क्वालिटी की है, क्योंकि अगर आप बर्गर किंग और मैकडोनल्ड, ये दोनों अगर बर्गर को कंपेयर करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सनली मैं मैकडोनल्ड के साथ जाऊंगा। दोस्तों देखा जाए तो दोनों कंपनी में यहाँ पे जो है प्रीमियम पे चल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी प्रोडक्ट जो है बर्गर किंग से अच्छे हैं। दोस्तों हम लोग सीधे सीधे इस टाइप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट है दोनों के। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर है तो ही इस आप स्टॉक जो है आईपीओ में निवेश कीजिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एज वेल एज अगर आप यहाँ पे जो है गेन प्रस्पेक्टिवली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ गेन लेने के लिए, तो भी आप इस स्टॉक में जो है इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ओनली कंडीशन, यहाँ पे आप अगर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो ही आप यहाँ पे पैसा लगाइए। अल्दो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से डेटा मार्केट का आ रहा है तो उस हिसाब से अभी भी यहाँ पे कुछ दिक्कत है। तो अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो आप खुल के यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज वेल एज अगर आप लंबे टाइम के निवेशक हो तो आप पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।